ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले कानपुर के एक चोर को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से सोने की दो चैन बरामद की हैं। चलती ट्रेनों में पलक झपकते ही लोगों के कीमती सामानों सहित सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ करने वाले चोर को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुनील नेमा ने बताया कि चलती ट्रेनों में चोरी और चैन स्नैचिंग की वारदातें सामने आ रही थी, लिहाजा रेल पुलिस को चोर की तलाश करने का जिम्मा सौंपा गया था और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला विनोद यादव है और उसके पास से सोने की दो चैन बरामद की गई है। विनोद यादव, पिता गेंदालाल यादव, ये कानपुर देहात का रहने वाला है। इसने पूछताछ में कुछ घटनाएं गंगा कावेरी में करना बताया। उसके बताए अनुसार यहाँ से एक विशेष दल कानपुर भेजा गया, जहाँ से दो सोने की चैन बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर भेजा गया था, आज उसको जुडिशियल रिमांड पर जिला न्यायालय भेज दिया गया। रेल पुलिस ने आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।